व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब दबाना ना भूलें, ताकि आपसे मेरा वीडियो और रीडिंग कनेक्ट हो पाए। ठीक है, इस वीडियो की एनर्जी, रीडिंग की एनर्जी आपसे जुड़ पाएगी तभी जब आप लाइक सब्सक्राइब दबा के मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। कोई तो माध्यम चाहिए ना हमारे बीच में कनेक्शन के लिए। मैं यूनिवर्स को प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करती हूँ, और हीलिंग के थ्रू खुद से कनेक्ट करती हूँ, और आप मुझसे लाइक सब्सक्राइब के थ्रू कनेक्ट हो जाइए, जिससे मेरा वीडियो रीडिंग आपसे रेजोनेट पूरी तरह से हो पाए। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जो आएगा जिसके सामने वीडियो आएगी उसी के लिए वीडियो है ये। ठीक है, सो 98% आपसे मैच होगी, फिर भी 2% डाउट रहता है तो पर्सनल रीडिंग में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पर भी हो जाएगी, बट 98% कलेक्टिव लोगों से ये मैच हो जाता है। सो टाइमिंग्स के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं कि कब होगा ये काम, है ना। सबके डिवाइन टाइमिंग्स अलग होते हैं डियर, उस पर मैं आपको पर्सनल रीडिंग में गाइड कर पाऊँगी, लेकिन रीडिंग 98% मैच होता है। पर्सनल रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग 90-100% अपनी रीडिंग मैच करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन बता देते हैं, नाम बता देते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। चलिए, अब मैंने आपका कलेक्टिव रीडिंग और पर्सनल रीडिंग का डाउट भी दूर कर दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। रीडिंग तो दोनों ही मैच होती हैं, लेकिन वहाँ आप अपनी सिचुएशन बता के ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट मेरे लिए है या नहीं, ये वाला, क्योंकि वो सारा ही पार्ट आपके लिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनल है ना। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जैसे 2% चीज़ें मैंने बताया वो आपके लिए नहीं होगा, है ना, लेकिन अगर आपके सामने आए तो वीडियो आप ही के लिए है 98%। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, थर्ड पार्टी के लिए आगे क्या करेंगे इस रिश्ते में, और आपके लिए आगे क्या करेंगे इस रिश्ते में। चाहे आप इस सिचुएशन में ब्लॉक भी हैं तो भी रीडिंग आपसे मैच होगा। ठीक है, एनी टाइम रीडिंग आपसे मेरा मैच होगा। मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, जितने भी शॉर्ट्स डालती हूँ सबके सब टाइमलेस हैं, जाके देखिए चैनल पे, आपसे रेजोनेट होगा। जितने भी वीडियोस पहले के भी डले हुए हैं सबके सब आप ही लोगों के लिए हैं, फ्री हैं, जाके देखिए, वो भी टाइमलेस है। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं लाइव भी आऊँगी, सो डोंट वरी। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के लिए आगे क्या करेंगे। राधे कृष्ण, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के लिए आगे क्या करेंगे इस रिश्ते में, क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के रिश्ते के बीच, आगे क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के रिश्ते में क्या होगा। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई लड़का लड़की, उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मैंने माना है, या वो मैरिड हैं तो वाइफ या हस्बैंड को माना है। ठीक है, मम्मी पापा को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, फैमिली को नहीं लिया है, क्योंकि फैमिली कभी भी थर्ड पार्टी नहीं होती है डियर। फैमिली का पूरा अधिकार होता है अपने बच्चे पे, इसलिए मैं फैमिली को बहुत रेयर केस में थर्ड पार्टी मानती हूँ। और माँ बाप, अगर बच्चा रेडी है ना दोनों तरफ से, अगर आप और आपके पार्टनर रेडी हैं तो माँ बाप को आप लोग एट दी एंड मना ही लोगे, नहीं तो कोर्ट मैरिज कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम फंसती है कोई तीसरे पर्सन की, आपके पार्टनर्स आपको अगर ये बोल के भी जाते हैं ना फैमिली नहीं मान रही, कारण कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन और होती है। मोस्ट केसेस में थर्ड सिचुएशन और कोई होती है, वरना आपके पार्टनर ना कभी भी फैमिली को लेके आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो आपके साथ तो खड़े ही रहेंगे चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, बस बहाना हो जाता है एक कि फैमिली बीच में आ रही है, बट सिर्फ फैमिली होती ना तो आप ब्लॉक नहीं होते, इस चीज़ को दिमाग में बिठाना। और अगर बात भी कम हो रही है तो सिर्फ फैमिली कारण नहीं हो सकता है। आज की डेट में, कलयुग में, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का इतना स्ट्रांग, इतना शरीफ नहीं है, कोई राम राज्य नहीं चल रहा है जो आपको ये बात बोल दे कि मेरी फैमिली है इसलिए मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। जी नहीं, राम राज्य नहीं चल रहा है, बस इतना समझ लीजिए, समझदार को इशारा काफ़ी है। चलिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अगर किसी थर्ड सिचुएशन में स्टक हैं तो क्या वो थर्ड सिचुएशन के साथ आगे क्या करेंगे इस रिश्ते में। ठीक है, और अगर किसी के पार्टनर हैं तो फिर तो उनको जय श्री राम। मैं मानती हूँ कुछ बच्चे गिने चुने 1-2% होंगे जो इस आज्ञा पे अभी भी चल रहे होंगे, हरी बोल। चलिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के साथ आगे इस रिश्ते में क्या करेंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के साथ आगे इस रिश्ते में क्या फैसला लेंगे, क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के रिश्ते में आगे। ठीक है, आपके लिए इसके बाद चेक करेंगे, पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं। नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, प्लेन गुजर रहा है, इसकी आवाज़ है ये। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में आगे क्या होगा, लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, लेट्स सी। तीन कार्ड्स मैं लूँगी जी, तीन मैंने लिए हैं, एक और लूँगी मैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में आगे क्या होगा,
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में आगे क्या होगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में आगे क्या होगा। ठीक है, एक कार्ड में और लूंगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में आगे क्या होगा। हरी बोल डिवाइन, प्लीज एक और कार्ड दें, थोड़ा सा और क्लियर करें सिचुएशन को। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में आगे क्या होगा। हरी बोल, लेट्स सी। ठीक है, हरी बोल का नाम लिया, भगवान को याद किया, राधे कृष्ण को याद किया और उन्होंने मुझे ये देखिए ये पकड़ा है। और यहाँ पर ये डेविल अच्छा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आप हैं। और ये देखिए मैरिज, ये आप हैं। थर्ड पार्टी का नाम लिया और थर्ड पार्टी के अंदर भी थर्ड पार्टी आ गई और ये आप हैं। बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड मुझे मिला है। मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में आगे चल के कोई ना कोई तीसरा पर्सन एंटर होने वाला है। वो तो तीसरा पर्सन होगा, पैसे वाला होगा, थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा पैसे वाला होगा। ठीक है, और आपके पार्टनर्स उसकी तरफ फैसला लेंगे। आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी आगे चल के अपने अपने करियर में बिजी हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कम कर देंगे और थर्ड पार्टी को पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी के हाथ से फिसलते चले जाएंगे, दोनों अपने अपने करियर में इतना बिजी हो जाएंगे कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा और आपके पार्टनर्स को धीरे धीरे पता चलेगा कि आप उनसे भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। मेरी बात को कान लगा के सुनिए, ध्यान से सुनिए। डिवाइन सामने बैठे हैं, ठीक है, सुनिए ध्यान से, मैं नहीं बोल रही हूँ, डिवाइन बोल रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास छोड़ के अपने करियर पे ध्यान देना होगा। आपको अपने पार्टनर्स को ये प्रूफ करना होगा कि अगर वो आपसे अलग हैं तो आप भी अपने काम में बिजी हैं, रो नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ, डिवाइन बोल रहे हैं, कार्ड्स बोल रहे हैं, जो डिवाइन कार्ड्स में मुझे बता रहे हैं, जो एनर्जी वो मुझे बोल के भी भेज रहे हैं। कुछ बातें वो कार्ड्स में बताते हैं, कुछ वो बोलते हैं। वो मुझसे बोल रहे हैं, इनको बोलो कि ज़िंदगी किसी के लिए भी रुकती नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं और वो आपको ब्लॉक करके चले गए हैं तो उनके लिए रोने का टाइम नहीं है आपके पास। आप उनको चाहते हैं ना, उनको पाना चाहते हैं, तो मेहनत कीजिए। ठीक है, इस कदर से अपने काम में, अपने करियर में बिजी हो जाइए कि आप अपने पार्टनर्स को प्रूफ करें कि अगर आप उनसे अलग भी थे, सेपरेशन में भी थे, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, कुछ करा आपने, कुछ अचीव किया। भक्ति करिए, पूजा करिए, इंसान का शरीर मिला है तो इसको किसी सही दिशा में यूज़ करिए। ठीक है, आप जानवरों को देखते हैं ना, कैसे रोड में घूमते हैं, वो कैसे कर्म है, वो क्यों बने हैं, वो जानवर क्यों इस योनी में आए हैं, क्योंकि बस छत भी नहीं है, कोई मालिक नहीं है जो उनको पाल दे। ठंड में आप देखते हैं कुत्तों को कैसे पड़े होते हैं ठंड में सिकुड़ के, और हम कंबल में होते हैं घर में। कुछ तो आपके कर्म उनसे बहुत अच्छे हैं ना, तो ये चीज़ को दिमाग में बिठाइए। इंसान का शरीर मिला है, रोने धोने में इसको किसी के लिए भी, किसी के लिए भी सिवाय भगवान के बर्बाद मत करिए। एक बार मिला है, अगली बार हमें नहीं पता कि यही मिलेगा या क्या बनेंगे हम, है ना। चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पर मैंने जो थर्ड पार्टी के अंदर थर्ड पार्टी बताई थी, अब आपकी रीडिंग से हमें और कन्फर्म हो जाएगा। हरी बोल, चलिए भगवान का नाम लीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आगे इस रिश्ते में क्या फैसला लेंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आगे इस रिश्ते में क्या फैसला लेंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आगे इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फैसला लेंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आगे चलकर इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फैसला लेंगे। गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। जय श्री राधे कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। जय श्री राधे कृष्ण। तीन कार्ड मैं लूँगी, ज़रूरत पड़ी तो और लेंगे। हरी बोल। ठीक है, हरी बोल, चलिए। अरे वाह, अब तो मैं आपको श्योर शॉट बोल सकती हूँ कि वो थर्ड पार्टी आप ही हैं। सारे कार्ड से डिवाइन ने प्रूफ कर दिया है कि आगे चलकर एक तो आप अपने पार्टनर्स के साथ मुझे किसी ट्रैवलिंग में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई ट्रैवल आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये सन कार्ड मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आप दोनों में ईगो प्रॉब्लम है जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही सन कार्ड मुझे ये भी प्रूफ कर रहा है कि आप दोनों की, अपने पार्टनर्स की और आपकी साथ में कोई ना कोई यात्रा होगी। ये यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं होगी, ये यात्रा आप दोनों की साथ में ज़िंदगी बदल देगी। हो सकता है इस यात्रा के दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं मैरिज करने जा रहे हैं, हो सकता है इस यात्रा के दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। ठीक है, दोनों अकेले हैं,
फैमिली है, फैमिली आपको यहाँ पर कार्ड में नहीं दिख रही, आप दोनों अकेले हैं, आपके पार्टनर्स बोर्ड चला रहे हैं, आप बैठे हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन फैमिली आपको नहीं दिख रही है, पर डिवाइन मुझसे बोल रहे हैं फैमिली भी आ रही है, पीछे पीछे आ रही है, शादी के लिए जा रहे हैं तो फैमिली भी है दूसरी बोट्स में, ठीक है, दोनों की तरफ से हाँ होगी, दोनों फैमिलीज मान जाएगी, कुछ एक आधे परसेंट केस में यहाँ पे हो सकता है आप दोनों भाग के कोर्ट मैरिज करें, 1% केस में, ऑलमोस्ट केसेस में यहाँ पे आपके पास पैसा होगा, पावर होगी, स्टेटस होगा, आपके पार्टनर्स आपको कमिटमेंट देंगे, कमिटमेंट का भी कार्ड आया है, इमोशनली न्यू बिगनिंग होगी, प्रैक्टिकली इमोशनली दोनों तरीके से आपकी न्यू बिगनिंग होगी, लव लाइफ में जो ड्रामा क्रिएट हुआ है, जितना भी ड्रामा आप लोगों ने सहा है, कन्फ्यूज़न, उन सब का एंड होगा, ठीक है, उन सब का एंड होगा, देखिए ओवरऑल ड्रामे का आपका एंड होगा, प्रैक्टिकली और इमोशनली न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके पार्टनर्स आपको कमिटमेंट देंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको स्टॉक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक हैं तो वो आपको भूल गए, इससे पॉजिटिव रीडिंग मैंने लाइफ में नहीं करी, डिवाइन आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने ही कार्ड्स दिए हैं, उनसे पूछ के निकाले हैं, कृष्णा को थैंक यू बोलिए, कमेंट में बताइए, कमेंट में जाके राधे कृष्ण का नाम ज़रूर लिखिए, ठीक है, इससे पॉजिटिव राधे कृष्ण आपको और कुछ नहीं दे सकते, वो चाहते तो थर्ड पार्टी के फेवर में भी डिसीजन दे सकते थे, लेकिन वो आपके फेवर में दे रहे हैं, तो अब आप उनकी इतनी इज्जत रखिए कि कमेंट में जाके हरी बोल, राधे कृष्ण, शिव शक्ति ज़रूर लिखिए, ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे हमें थैंक यू तो बोलते हैं, हम इनको कुछ देते हैं तो एटलीस्ट थैंक यू तो बोलते हैं, हम नहीं लगता कि बहुत सारे भगवान को मानते हैं, अलग अलग सबका नाम नहीं लिख पा रहे हैं, तो थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, सबको एक साथ ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, सब आपके साथ आएंगे, ठीक है, सब आपको आशीर्वाद देंगे, यूनिवर्स लिखते ही सारे भगवान आपको एक साथ आशीर्वाद देते हैं, और आपका रिश्ता जल्दी आपके पार्टनर से आपकी मेहनत के बदौलत फिक्स हो जाएगा, चलिए बाय।